Good morning, everyone. So in today's class, we are going to continue with the same lesson. We have completed the reading part. Now we are moving to the copy work. Okay, so in today's copy work, what we are going to do is write down the difficult words. So first I will tell you what are the difficult words in the lesson, and then I'll explain you the meaning, and then you have to write it in your copy. Okay, so lesson 6, Bob and his family. We are going to write the difficult words. Okay, so I will write the difficult words in the fair copy, and I will show you how you have to write. Okay, like last classes we were writing the exercises and question answers, and I was showing you in the classwork copy only, because it will help you how to write and you will know how to write. This is only for some time, huh? Kuch dino ke liye ma'am aise likh likh ke aapko dikhayegi, lekin after that you have to write it by yourself. Ye abhi aapki shuruaat hai, aap logo ko bahut sara work ekdam se mil raha hai, kg se aa rahe ho. इसीलिए सिर्फ आपको जनरल एक गाइडेंस के लिए मैम ये कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैम रोज रोज आपको इस तरह से लिख के दिखाएगी. नाउ यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ. ओके, यस. सो लेट्स राइट डाउन द डिफिकल्ट वर्ड्स नाउ. सो हियर लाइक दिस यू हैव टू राइट एज आई हैव शोन हियर. लेसन 6, फर्स्ट यू हैव टू पुट द हेडिंग लेसन 6, बॉब एंड हिज फैमिली. उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होगा आपका न्यू वर्ड्स. ओके, सो लाइक इन प्रीवियस लेसन व्हाट वी आर डूइंग द सेम वे यू हैव टू डू इन दिस लेसन आल्सो. ओके, सो दिस लेसन वी आर गोइंग टू स्टार्ट कॉपी वर्क विथ डिफिकल्ट वर्ड्स. सो द फर्स्ट टॉपिक इज न्यू वर्ड्स, एंड देन 1, 2, 3 लाइक दिस सीक्वेंस यू हैव टू पुट, एंड यू हैव टू राइट स्टार्ट राइटिंग द डिफिकल्ट वर्ड्स. ओके, सो द फर्स्ट वर्ड फॉर द लेसन इज बेकिंग, BAKING. बेकिंग मीन्स पकाना, ठीक है. सो केक बना रही थी उसकी मम्मा, केक पका रही थी, सो हियर बेकिंग. ओके, नेक्स्ट इज PAPER पेपर, MILL मिल. व्हाट इज इट? पेपर मिल. सो पेपर मिल मीन्स जहाँ पे हम पेपर बनाते हैं, ठीक है. देन थर्ड इज ग्रैंडपा, GRANDPA, ग्रैंडपा, शॉर्ट फॉर्म फॉर ग्रैंडफादर, ठीक है. ग्रैंडफादर पूरा लिखने की जगह हम ग्रैंडपा भी लिख सकते हैं, ठीक है. सो ग्रैंडपा मीन्स दादाजी या नाना जी. देन ग्रैंडमा, GRANDMA, ग्रैंडमा. नाउ यू कैन सी देर आर सम सिमिलर वर्ड्स इन बोथ द वर्ड, सिमिलर लेटर्स इन बोथ द वर्ड. ओके, सो ग्रैंड एंड हियर ऑल्सो ग्रैंड, बस आपको पा और माँ जोड़ना है. सो ग्रैंड पा में PA आ जाएगा लास्ट में, ग्रैंड माँ में MA आ जाएगा लास्ट में, बाकी पूरा एज इट इज़ है. सो आपको लर्न करने में ईजी होगा. ओके, सो यू कैन यूज़ दिस ट्रिक्स ऑल्सो, ठीक है. यस, सो ग्रैंड माँ मीन्स दादी जी या नानी जी. क्लियर. नेक्स्ट इज ब्रिंग्स, BRINGS, ब्रिंग्स. ब्रिंग्स मीन्स लाते हैं, ठीक है. सो कौन लाता था? दादाजी टॉयज और स्वीट्स लाते थे, ठीक है. सो ब्रिंग्स मीन्स लाना, BRINGS, ब्रिंग्स. सिक्स्थ इज लाइंग, LYING, लाइंग. लाइंग मीन्स नीचे पड़े रहना, है ना, या फिर बेड पे लेटे हो तो उसके लिए बोलते हैं लाइंग ऑन द बेड, है ना, लाइक दैट. ओके, सो LYING, लाइंग. अराउंड, अराउंड मीन्स चारों तरफ, AROUND, ठीक है, अराउंड. एट इज मिस्टेक, मिस्टेक मीन्स गलती, है ना. सो जैसे कभी कभी क्या होता है, आप लोग लिख रहे होते हो, फॉर एग्जाम्पल आप अपना नाम लिख रहे हो, तो आपने गलती से कोई स्पेलिंग गलत कर दी, सो क्या कहते हो आप? बाय मिस्टेक आई रॉट द रॉन्ग स्पेलिंग, है ना. सो बाय मिस्टेक मतलब गलती से, सो हियर मिस्टेक, MISTAKE, मिस्टेक. देन नाइन्थ वर्ड इज स्माइल्स, SMILES, स्माइल्स. स्माइल्स मीन्स मुस्कुराना, खुश होना, है ना, हैप्पी फेस. देन टेंथ इज प्लेसेस, PLACES, प्लेसेस. प्लेसेस मीन्स जगह, है ना, सही जगह, ठीक है. जैसे उसके दादाजी ने कहा था, कीप इट इन राइट प्लेस, यानी कि सही जगह पर अपने टॉयज को रखना, ठीक है. सो दिस वॉज द 10 डिफिकल्ट वर्ड्स फॉर द लेसन.
I have written here. One more time I will read out with spelling. Okay, like this you have to write neat and clean. Baking, B-A-K-I-N-G, baking. Paper mill, P-A-P-E-R, paper, M-I-L-L, mill. Grandpa, G-R-A-N-D-P-A, grandpa. Grandma, G-R-A-N-D-M-A, grandma. B-R-I-N-G-S, brings. L-Y-I-N-G, lying. A-R-O-U-N-D, around. M-I-S-T-A-K-E, mistake. S-M-I-L-E-S, smiles. P-L-A-C-E-S, places. Now I hope it is clear with you all. Like this you have to write in your copy. Okay? So, now we have completed the copy work of new difficult words. So, I hope आप सबको समझ में आया होगा. Meaning के साथ इन्हें याद करना है. और इसके बाद जैसे ही difficult words याद हो जाए, वापस से आपको 2-3 times lesson को read करना है. So, ऐसे ही आपका reading improve होगा. ठीक है? इसके बाद हम लोग next हमारा book work जो भी होगा, next topic grammar या जो भी book में exercise choose the correct tense of linguistics, whatever it is that we are going to do. In next video. Okay? Till that, keep learning, keep practicing. Good day, everyone.